पब्लिक टीवी आपकी आवाज। करणी सेना के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा की अध्यक्षता में करणी सेना के विस्तार को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। गौ हत्या, जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता, समान शिक्षा का अधिकार, धर्मांतरण नियंत्रण कानून आदि को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और उपरोक्त सभी पर जल्द से जल्द कानून बनाने की मांग सरकार से की गई। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष युवा शक्ति शुभम राघव के द्वारा गौतम शर्मा को 28 नगर विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर अंकित सिंह, प्रदेश महामंत्री अवनीश सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष ठाकुर अखिलेश सिंह कठेरिया, मंडल अध्यक्ष ठाकुर अभिषेक सिंह कठेरिया के साथ और भी लोग मौजूद रहे। आज हमारा जो प्रदेश कार्यालय है करणी सेना का, यहाँ हनुमान मूर्ति पर यहाँ एक बैठक का आयोजन किया गया और गौतम शर्मा जी को नगर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है और साथ में भाई शिवा वाल्मीकि जी, बड़े भाई दानवीर राजपूत जी, सुमित चौहान जी, बबलू श्रीवास्तव जी, हमारे महानगर अध्यक्ष शुभम राघव जी, महानगर उपाध्यक्ष संकेत दुबे जी और सोशल मीडिया प्रभारी ठाकुर तनवीर सिंह, महानगर मंत्री प्रिंस ठाकुर और सह सोशल मीडिया प्रभारी मिलन राजपूत और हमारे रवि कश्यप जी, वरिष्ठ महानगर उपाध्यक्ष आदि सभी उपस्थित हैं। और आज करणी सेना ने जो अपनी एक मुहिम चलाई है कि हम सभी हिंदुओं को संगठित करेंगे, इसी को लेकर हमारी एक बैठक का आयोजन किया गया था और भाई छोटे भाई गौतम शर्मा जी को नगर विधानसभा अध्यक्ष का पद नियुक्त किया गया है और मैं आपसे उम्मीद करूँगा छोटे भाई गौतम शर्मा जी से कि आप सनातन संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे, हिंदुओं को संगठित करेंगे, आप सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, वो चाहे वाल्मीकि हों, ब्राह्मण हों, जाटव हों या पाल, शाक्य, मौर्य, सैनी, प्रजापति, वो किसी भी बिरादरी से हो, तो आप सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, हमने यही संकल्प ली है, तो इस मीटिंग का यही उद्देश्य था। चलिए, धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।